लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। गैस सिलेंडर के पाइप में आग लगने से माँ पुत्री गंभीर रूप से झुलस गए। जी हाँ, घटना आज सुबह गैस पर दूध गर्म करते समय हुई। सपा MLC डॉक्टर दिलीप यादव भी पहुंचे सरकारी ट्रामा सेंटर। बता दें, फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र के गांव नगला मोती में मां और पुत्री गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल के सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया। यहां सपा MLC डॉक्टर दिलीप यादव भी पहुंचे। बताते चले, थाना दक्षिण क्षेत्र के नगला मोती गांव की रहने वाली सोनम पत्नी विनय उम्र 27 वर्ष और देवांशी पुत्री विनय उम्र 3 साल आज सुबह गैस पर दूध गर्म कर रही थी, तभी अचानक गैस पाइप में आग लग गई, जिससे आग रेगुलेटर तक पहुंच गई। वहीं पास में रखे फ्रिज पर रखे कपड़े भी आग से झुलस गए, जिसमें माँ और बच्ची के कपड़ों में आग लगने से माँ और पुत्री करीब 80% तक जल गई। गंभीर अवस्था में ट्रामा सेंटर के दिल्ली के लिए यहां से रेफर कर दिया गया। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्या कंडीशन है उनकी? 80% जल चुकी है, स्थिति तो खराब है। दिल्ली सफदरजंग में भेजे जा रहे हैं। एम्बुलेंस लेकर कहाँ जहाँ अच्छा इलाज जी, आपने देखा होगा? मैं तो आने नहीं बंद कर दो भैया। ऐसी आवाज हुई जैसे किसी ने बम मारा। नगला मोती की सोनम है और इनकी बेटी दोनों आज सवेरे 4 बजे जली गई, और यहाँ वो अपने किचन में कुछ गर्म पानी वगैरह या गर्म दूध बेटी के लिए कर रही थी। गर्म दूध करते समय उसका पाइप फट गया। पाइप फटते ही पूरा पाइप घूमा और पाइप में गैस थी, तो पाइप की घूमने की वजह से उसमें आग लग गई किचन में। वहाँ फ्रिज रखा था, फ्रिज के ऊपर कपड़ा पड़ा था, कपड़े में भी आग लग गई। लिहाजा ऐसी स्थिति हो गई, इन बच्ची और माँ के दोनों कपड़ों में आग लग गई। 80% झुलस गई हैं और बुरी तरह से। यहाँ इमरजेंसी माएँ हम लोग भी आए हैं, तो यहाँ से तुरंत डॉक्टर साहब आ गए, CMS महोदय आ गए और जो सर्जन है वो आ गए। सारे डॉक्टर से बहुत अच्छी तरह से देखा, यहाँ जो फर्स्ट एड दे सकते थे पूरी तरह दिलवा दी। इसके बाद दिल्ली को रेफर कर दिया है। हम ईश्वर से दुआएँ करते हैं कि माँ बेटी दोनों बच जाएँ। हालांकि बहुत गंभीर हालत में है, यहाँ फर्स्ट एड दे करके एम्बुलेंस में एक कोई डॉक्टर के अधीनस्थ हैं वो भी गए हैं, नर्सिंग स्टाफ नर्स, जिससे रास्ते में कहीं दिक्कत आए उनको संभाल सकें। मैं इस माध्यम से सारे लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा, अपने किचन में गैस का पाइप, गैस का रेगुलेटर जरूर देख लें। इसमें गैस का पाइप फटा है, उसके बाद रेगुलेटर फटा है। रेगुलेटर गैस का पाइप फटने से बड़ी घटना हुई है, तो ऐसी घटना और आगे घटना की पुनरावृत्ति न हो, अपने घरों में सभी लोग गैस का पाइप और गैस का रेगुलेटर विशेष ध्यान रखें, जिससे कहीं लीकेज होने से बड़ी घटना न घट सके।